नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योगिता। स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बोल्ड स्काई में। हड्डियों और जोड़ों में लगातार दर्द होना, मुंह, नाक या शौच के दौरान खून का निकलना, बुखार आना, रात में पसीना और चक्कर आना, बार बार संक्रमण और शरीर का वजन घट रहा है तो आप संजीदा हो जाएं, ये लक्षण दिल की बीमारी के नहीं बल्कि ब्लड कैंसर के हो सकते हैं। सही समय पर इसकी जांच और इलाज से इसे काबू में किया जा सकता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि ब्लड कैंसर आपके ब्लड सेल्स के उत्पादन और कार्य को प्रभावित करता है। ब्लड कैंसर बोन मैरो में शुरू होता है जो ब्लड उत्पादन का अभिन्न स्रोत है। आपके बोन मैरो स्टेम में सेल्स मैच्योर होती हैं और तीन प्रकार के ब्लड सेल्स में विकसित होती हैं: लाल रक्त कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाएं या प्लेटलेट्स। चलिए बात करते हैं ब्लड कैंसर के कारण की। रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना, HIV या एड्स के संक्रमण के कारण, एक्सरे या अन्य रेडिएशन किरणों के संपर्क में आने से कीमोथेरेपी कराने के बाद रक्त कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। कीटनाशकों और नाइट्रेट युक्त पानी का प्रयोग करने से भी ब्लड कैंसर होने का खतरा बढ़ता है। ब्लड कैंसर 30 साल या उससे अधिक होने पर होता है। धूम्रपान और तंबाकू खाने से भी ब्लड कैंसर हो सकता है। ब्लड कैंसर के लक्षण: बुखार, ठंड लगना, लगातार थकान, जी मिचलाना, उल्टी होना, वजन घटना, भूख कम लगना, सरदर्द, सांस लेने में तकलीफ होना, बॉडी की इम्यूनिटी घटना, लगातार खून बहना, जल्दी जल्दी चोट लग जाना, मसूड़ों में खून आना, दिखाई देने में परेशानी होने के साथ सरदर्द होना, सोते समय पसीने आना, पेट, कमर और हड्डियों में दर्द होना। अगर आपको भी कुछ ऐसे कोई लक्षण हैं, तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।